सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना। छात्र अब देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले और अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीरों की गौरव गाथाएं पढ़ेंगे। अब नए पाठ्यक्रम की अतिरिक्त किताब में पुलवामा हमले के शहीदों सहित बीकानेर के सैन्य वीर जवानों की गौरव गाथाओं को शामिल किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्सव त्योहार और मेलों की कथाओं के साथ अब स्कूल के छात्र देश के लिए शहीद होने वाले वीर जवानों की गौरव गाथा को भी जान सकेंगे। इस बार सरकार ने कक्षा 6 से 12 तक NCERT पाठ्यक्रम लागू किया है जो अगले सत्र से शुरू होगा। इसमें हर कक्षा में एक अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक भी जोड़ी गई है ताकि स्टूडेंट्स राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संस्कृति और शहीदों के बारे में जान सकें। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल बीकानेर की मुख्य प्रबंधक निर्मल शर्मा ने बताया कि कक्षा 9 के इस बार की पाठ्य पुस्तक में शहीद जवानों की गौरव गाथाओं को शामिल किया गया है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नाम की इस पुस्तक में पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के 5 वीर जवानों के बारे में भी जान सकेंगे। सरकार के नवाचारों के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का सम्मिलित किया गया जिसमें कक्षा 8 से 12 के जो पाठ्यक्रम है उसमें एक एक बुक्स उन्होंने एडिशनल ऐड की, जिसके अंदर 9th क्लास में जैसे देखा जाए कि नवीन घटनाक्रम का उल्लेख भी उसमें विस्तार से किया गया, जैसे कि पुलवामा घटना हो गई, बालाकोट स्ट्राइक हो गया इत्यादि का उल्लेख उसमें किया गया। कनेर से जो हमारे सैन्य वीर चक्र सम्मानित सैन्य अधिकारी और कार्मिकों का उल्लेख उसमें दिया गया, मेजर पूर्ण सिंह जी, रफी खान साहब, बाघ सिंह जी राठौड़ इत्यादि का उल्लेख घटनाक्रम के साथ में सम्मिलित करते हुए और वह फोटो में उनका विवरण दिया गया। इस पाठ्य पुस्तक में राजस्थान के वीर जवानों के साथ साथ बीकानेर के भी शहीद जवानों की गाथाओं को विद्यार्थी इस पुस्तक में पढ़ सकेंगे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस पुस्तक में शामिल बीकानेर के वीर जवानों के नाम। वीर चक्र से सम्मानित बीकानेर के मेजर पूर्ण सिंह, शौर्य चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौर, वीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर जगमाल सिंह, कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस, वीर चक्र से सम्मानित लांस नायक भवर सिंह राठौर, वीर चक्र से सम्मानित रफीक खान की गौरव गाथाओं को इस पाठ्य पुस्तक में स्टूडेंट्स के अध्ययन के लिए शामिल किया गया है। वही बात करें पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थानों के जवानों की तो उसमें जयपुर के शहीद जवान रोहिताश लांबा, धौलपुर के शहीद जवान भागीरथ सिंह, राजसमंद के शहीद नारायण लाल गुर्जर, भरतपुर के शहीद जवान जीत राम गुर्जर, कोटा के शहीद जवान हेमराज मीणा की गौरव गाथाएं स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे। बच्चों में और जो छात्र छात्राओं में एक सैन्य सैनिक के रूप में बीकानेर की जो मरुभूमि है उससे भी जो वीरों की जो लेख रहता है उसमें एक प्रोत्साहन उनको मिलता है कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्व के जो अधिकारी यहाँ से निकले हैं उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे अपने सुरक्षाओं में अपनी जान निछावर की है। आपको बता दें कि ये किताबें छपकर तैयार हो गई हैं और निःशुल्क वितरण के लिए जिला मुख्यालयों पर भेजी जा चुकी हैं। इन पुस्तकों में वीर जवानों की कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य स्टूडेंट्स में देशभक्ति और सेना के जवानों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब स्टूडेंट्स सेना के वीर जवानों की गौरव गाथाएं पढ़कर इनके जज्बे और अदम्य साहस से रूबरू हो सकेंगे। देश के लिए हंसते हंसते प्राण नौछावर करने वाले वीरों की गाथा को अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। नए पाठ्यक्रम की अतिरिक्त पुस्तक में इन वीरों की गौरव गाथाओं को शामिल किया गया है। बीकानेर के 5 सेना के जवानों की गौरव गाथा को भी इस किताब में शामिल किया गया है। इसके साथ ही पुलवामा हमले में शहीद हुए वीरों की गौरव गाथाएँ भी इस पुस्तक में शामिल की गई है। इसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स के मन में देशभक्ति का भाव जागृत हो। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ संजय पारीक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बीकानेर।